एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। मैं रीना आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्पेशल जूस रेसिपी जो कि नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में आई हुई खून की कमी को पूरा करेगी। वैसे भी आप सबको मेरी जूसेस वाली वीडियोस काफी पसंद आती हैं, उसके लिए थैंक यू। खून बढ़ाने के लिए जो हम जूस बनाने वाले हैं उसके लिए हमने देखिए तीन चीजें ले ली हैं और ये तीनों ही चीजें बड़ी आसानी से हर घर में, हर रसोई घर में आसानी से मिल जाती हैं, काफी रीजनेबल प्राइस पर। कोई स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक हमने फल ले लिया है, एक सैलेड है और ये सैलेड सब्जी है और काफ़ी आसान सी चीज़ें ली हैं, और अनार है। लेकिन ये आसान सी चीज़ें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, तो अनार में बहुत भरपूर मात्रा में आयरन होता है। खून बढ़ाने के लिए हमें हमारे शरीर को आयरन की ही ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, तो इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। और मीडियम साइज़ का हमें एक अनार ले लेना है, उसके दाने छील लेने हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे और यहाँ पर मैंने देखिए सेकंड चुकंदर ले लिया है। चुकंदर भी नेचुरल तरीके से हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। चुकंदर के अंदर मौजूद नाइट्रेट्स जब हम इसे खाते हैं तो वो नाइट्रेट्स ऑक्साइड में बदल जाते हैं जो कि हमारे शरीर में ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं और नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करते हैं। ये हम इतना ज़्यादा नहीं लेंगे, मैं काट करके आपको जब जूस बनाऊंगी तब दिखाऊंगी कि कितना लेना है। और थर्ड हमने गाजर ली है, तो किसको नहीं पता है कि गाजर रिच सोर्सेस ऑफ ब्लड बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये एक सब्जी में भी खा सकते हैं, सैलेड में भी खा सकते हैं और जूस भी पी सकते हैं, तो इसका भी ऐसे तो आप नेचुरल तरीके से सारी चीज़ें, पर ये जो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, ये अपने ही आप में एक मैजिकल जूस बनाता है। तीनों ही चीज़ें आप देख सकते हैं हल्के हल्के से लाल रंग में आती हैं, जैसे कि अनार में भी हल्का सा लाल रंग आता है, चुकंदर भी हमारा हल्का सा लाल लालिमा रंग लिए हुआ था, गाजर भी। कोई और भी फ्रूट्स हो जो हल्के से लाल रंग में हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं या सिंपल उसका जूस भी पी सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के खून का रंग भी लाल होता है। तो ये नेचुरल तरीके से जैसे लोहे को काटता है ना, वही बस हिसाब होता है। तो चलो अब मैं इसको छील लेती हूँ, काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कितनी कितनी क्वांटिटी में मिलाना है और इस जूस को बनाना है। अनार के जो दाने हैं ये तो हमने पहले से ही छील के रखे हुए हैं, और फिलहाल ये जो चुकंदर है, ये गाजर है, इसको हम काट लेते हैं। चुकंदर पूरा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, तो इसका जो है वो मैं तो इसका मैं इतना सा ही टुकड़ा इस्तेमाल करने वाली हूँ। ज़्यादा भी लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, आधा भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा शरीर में खून की कमी है, पर मैं इतना सा ही लेने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का चुकंदर था, जिसका कि मैंने यहाँ पर ये फोर्थ टुकड़ा जो है ये किया है, तो बस इसी टुकड़े को लेना है। बाकी मैंने कहा अगर आप ज़्यादा खून की कमी है तो आप आधा भी ले सकते हैं। मैं ये एक चुकंदर से कम चार बार जूस बनाने में इस्तेमाल करूंगी, और सेम ऐसे ही गाजर है, गाजर मैं आधी लूंगी। तो ये देखो आधी मैं गाजर ले रही हूँ, तो बस अब इनको मैं काट करके फिर बनाते हैं इसका जूस। एक चौथाई चुकंदर है, इसके मैंने इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं बारीक बारीक से, और यहाँ जो ये गाजर है इसको भी मैंने इस तरीके से आधी गाजर को टुकड़ों में काट लिया है, और अनार तो हमने पहले से ही छीला हुआ था। अब इन तीनों को मिला करके चलो फटाफट से जूस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं ये गाजर, उसके बाद चुकंदर, और उसके बाद ये अनार के दाने, और इसमें हम लगभग आधा कप पानी मिला देंगे ताकि सारी चीज़ें सही से ब्लेंड हो जाएं। सारी चीज़ें मिलाने के बाद में अब इन्हें ब्लेंड करना है। इस तरह से देखिए हमारा ये फ्रेश होममेड हाइजीन जूस बनके तैयार हो चुका है। कितनी आसान है बनाना आपने देख लिया, और इन तीनों ही चीज़ों से मिलकर बना हुआ जो जूस है ये 100% खून को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, बढ़ाकर ही रहेगा, ये गारंटी है। तो आप 3 महीने लगातार अगर इस जूस को पीते हैं तो खून की कमी तो कभी हो ही नहीं सकेगी, और 3 महीने पीने के बाद आप नेचुरल फिर 1 या 2 महीने का गैप देकर फिर पी सकते हैं। लेकिन 1 महीना आप पी करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस इन तीनों ही चीज़ों से मिला करके बनाइएगा,
और इस जूस में आप हल्का सा काला नमक डाल के भी पी सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिना नमक के ही ले रही हूँ। और ज़्यादा गर्मी है तो इसमें एक दो आइस क्यूब्स भी मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जूस को आपने देख लिया और वीडियो कैसी लगी बताइएगा, रेसिपी कैसी लगी तो बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आपका लाइक और शेयर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ और इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप हीमोग्लोबिन या फिर खून की कमी से परेशान हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।